नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कलनरी आर्ट्स के बारे में। कलनरी आर्ट्स क्या है, क्या अगर आपको एक शेफ बनना है, एक अच्छा शेफ बनना है, तो आपको डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए या सिर्फ आपको कलनरी आर्ट्स में ही एडमिशन लेना चाहिए, ये सारी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये डिग्री है, डिप्लोमा है, फीस कितनी होनी चाहिए और क्या क्या इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये सुबह सुबह एक मैसेज आया, मैसेज को पढ़ने के बाद मेरे पास उनको जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैंने एक नमस्कार का साइन उनको भेज दिया। ये एक IHM मुंबई के स्टूडेंट हैं जो लगभग जब मेरे बहुत ही कम सब्सक्राइबर, मात्र 2000 सब्सक्राइबर थे, तब से मुझे देख रहे हैं और इनको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन अब इस इंडस्ट्री को मैं दे रहा हूँ, जो इनसाइट्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, वो आपके लिए काफ़ी कारगर है, बहुत ही हेल्पफुल है और ये चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से अपनी जर्नी, अपने नॉलेज की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मेरा तो ये काम चलता रहेगा, आप लोगों का भी यही काम है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इससे इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि जब हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करना शुरू करते हैं तो आप देखिए चीज़ें आपके फेवर में अपने आप ही होने लगती है, जैसे कि मेरे साथ हो रही है। पर इनका मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता, इवन मुझे इनका नाम भी नहीं पता ये कौन है, बट मैसेज आ गया था तो मैं इनका फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। अब बात करते हैं कलनरी आर्ट्स क्या है। कलनरी आर्ट्स अगर मैं हिंदी में बोलूं, कलनरी पाक कला, आर्ट्स को हम लोग कला बोलते हैं, तो खाने बनाने की कला को हम लोग कलनरी आर्ट बोलते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ाया जाता है, बेसिकली इसके अंदर आपको खाना बनाना तो सिखाया जाएगा, पर कलनरी आर्ट जब हम एक स्पेसिफिक एक नीश की बात करते हैं तो आपको यहाँ खाने की प्रिपरेशन से लेके, उसकी कुकिंग से लेके, उसको गार्निश कैसे करते हैं, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं और गेस्ट को कैसे खुश रखते हैं, जी हाँ गेस्ट को कैसे खुश रखते हैं, यहाँ पे सर्विस का पार्ट भी इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कलनरी आर्ट के अंदर सिखाई जाती हैं। इवन आपको यहाँ पे हाइजीन के बारे में सिखाया जाता है, आपकी पर्सनल हाइजीन, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग, आपको हेसअप के बारे में समझाया जाता है। तो टोटल आप कह सकते हैं किचन डिपार्टमेंट से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड है आपको वो A to Z सिखाई जाती है। इसके अलावा अपने अलग अलग कॉलेजेस हैं, सबके अपने अपने जो सिलेबस होते हैं, हर किसी में थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, पर बेसिकली यही सारी चीज़ें आपको हर कॉलेज में सिखाई जाएंगी। अब ये डिग्री है या डिप्लोमा है इसकी भी बात कर लेते हैं। डिग्री अगर होगी तो आपका, अगर मान लीजिए अगर आप डिग्री करना चाहते हैं कलनरी आर्ट्स में, तो आपको 3 से 4 साल का समय देना पड़ेगा। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा आपका 1 साल का, 1.5 साल का या 2 साल का हो सकता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी प्रीवियस एजुकेशन के ऊपर ऊपर डिपेंड है कि आप कलनरी आर्ट्स में डिप्लोमा या डिग्री क्या करना चाहते हैं। पर अगर मेरी माने तो दोनों ही चीज़ सही है। आप अपने बजट को देखिए, अपने एजुकेशन की बैकग्राउंड को देखिए और आपके पास जो अच्छे कॉलेज अवेलेबल है वहाँ पे एडमिशन लीजिए। अब फीस की बात करें, मैं यहाँ किसी भी ऐसे कॉलेज की फ़ीस ना ही मुझे पता है ना ही मैं बता सकता हूँ, तो आप पर्सनली अगर जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो प्लीज़ आप खुद जाके उनकी वेबसाइट पर जाके उनको कॉल करके पता कीजिएगा, वही आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि अगर आप मेरे पास ऐसे पूछोगे कि उस कॉलेज की फीस क्या है, तो मुझे पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये इनसाइट्स चीजें होती हैं, हो सकता है कि अगर आप उनसे बात करें तो आपको कई सारी चीजों का डिस्काउंट हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर आप एक शेफ़ बनना चाहते हैं तो कलनरी आर्ट डिप्लोमा बहुत ही अच्छा है। इवन मैं पहले बताना भूल गया, इसमें आपको बेकरी और पेस्ट्री के बारे में भी सिखाया जाता है, पर ये चीज़ें आपको अपने कॉलेज से कंफर्म करनी है, क्या वो आपको ये सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको इंडियन का काम भी सिखाया जाएगा, कॉन्टी का काम भी सिखाया जाएगा, आपको बाकी चीज़ें, बाकी हमारी जो वर्ल्ड कुजीन है, इटालियन हो गया, मैक्सिकन हो गया, फ्रेंच हो गया, या बाकी सारी हमारी अरेबिक कुजीन हो गया, उनके बारे में भी आपको बताया जाता है। आपके जो बेसिक्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए जाते हैं कि आप एक शेफ़ तो बन के ही निकलते हो किसी भी कॉलेज से। तो ये सारी चीज़ें आपकी कलनरी आर्ट्स के अंदर आती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे लगा आप लोग को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने आपको ये अपने तरीके से आपके पास शेयर करने की कोशिश करी। इसके अलावा भी अगर आपके पास भी क्वेश्चन है, कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ मुझे नीचे लिख के भेजिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं मेरी जो डेली वीडियोज़ आपके पास आएँ, तो नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास रोज़ मेरी जो वीडियोस है वो पहुंच जाएंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।